इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विभाग आज पूर्ण रूप से पेपरलेस हो जाएगा। आज से ई ऑफिस के ऊपर हमारे सभी अधिकारी बंधु बांधवगण आज से काम प्रारंभ करेंगे और पूर्ण रूप से वह पिछले 15 दिनों से इसकी ट्रेनिंग भी ले रहे थे। आज से बिहार सरकार का यह विभाग पूर्ण रूपेण पेपरलेस विभाग के रूप में कार्य करेगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेल्ट्रॉन समेत जो इसके अंदर हम लोग बेल्ट्रॉन को हैंडल करते हैं, ये पूरा का पूरा विभाग आज से ई ऑफिस के ऊपर काम करेगा और पूरा विभाग पेपरलेस विभाग होगा। संपूर्णता के साथ यह विभाग आज से पेपरलेस विभाग होगा। यह पहला विभाग होगा भारत बिहार सरकार का जहां डाक भी पेपर के माध्यम से प्रस्तुत नहीं होगा, वह कंप्यूटर के माध्यम से ही, लैपटॉप के माध्यम से ही आएगा। डाक फाइल को भी आप उसी माध्यम से देख सकते हैं। इस प्रकार के कार्य को हमारे विभाग के अधिकारियों ने, हमारे सहयोगियों ने मिलकर के किया है। पिछले 4 महीने पहले जब मुझे प्रभार मिला तो मेरी बड़ी इच्छा थी कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, जो डिजिटल इंडिया की बात करते हैं हम लोग, जिस विभाग के माध्यम से जो विभाग अग्रगणी विभाग के रूप में काम करे और सबसे पहले कंप्लीट पेपरलेस विभाग के रूप में इसको अपने आप को तैयार करना चाहिए और तब हम अन्य विभाग को भी ई ऑफिस के ऊपर कन्वर्ट करेंगे, ई ऑफिस में काम करने की स्थिति में उनको खड़ा करेंगे। तो मुझे बताते हुए आज प्रसन्नता हो रही है कि अभी आप सभी लोग इसके गवाह भी बन रहे हैं कि आज से यह विभाग ई ऑफिस पूर्ण रूप से लागू हो गया। पेपरलेस विभाग आज से यह फंक्शनल हो गया, काम करना शुरू कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के हिसाब से बिहार 15वें स्थान पर है। 1 लाख बेड, यहाँ पर 1 लाख बेड पे, मतलब 1 लाख मरीज पे 6 ही बेड जो अवेलेबल बताए गए। यही तो मेरा पूछना है उन लोगों से जो 90 से लेकर 2005 तक बिहार में शासन किए। जब हम लोगों को अवसर मिला, आप क्या समझ रहे हैं कि डॉक्टर आएगा तभी तो बेड बढ़ाएंगे? जब 90 से लेकर 2005 तक जिनको अवसर मिला वो लाठी में तेल पिला रहे थे और जब हम लोगों को अवसर मिला तो कलम में स्याही भरने का काम कर रहे हैं। थोड़ा धैर्य रखिए कि अब 15वें नंबर पर है, उसको पहले नंबर पर ले जाने के लिए ये सरकार प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है और उस दिशा में काम कर रही है। 17 साल तो सर आप भी रहे हैं, तभी तो ये परिणाम आया कि हम पीछे से निकल के आगे आए हैं। आप जरा याद करिए ना कि 2005 में 5 मेडिकल कॉलेज इस प्रदेश में था, आज 19 मेडिकल कॉलेज है। क्या आप इलाज बिना डॉक्टर का उम्मीद कर सकते हैं? क्या आप कितने डॉक्टर बना रहे थे 2005 में? आपके पास MBBS का कितना सीट था? आज 2005 से लेकर 2021 में हमारे पास कितना सीट है? केवल तुलनात्मक रूप से कोई भी आदमी बुद्धिजीवी इसको देख लें। और सरकार ने सक्षम उपाय किया है, सरकार ने सकारात्मक उपाय किया है और सरकार सही दिशा में बढ़ रही है। आने वाले दिनों में स्वास्थ्य सेवा हमारा उम्दा सेवा के रूप में बिहार के अंदर स्थापित होगा, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं। सरकार को आवेदन देते हैं, हमारा ध्येय है कि उस आवेदन पे हम तत्काल इस ई ऑफिस के माध्यम से निष्पादन कर सके। इस ई ऑफिस में हम उन्हें अभी एक्सेस नहीं दे सकते, उसके लिए तो उनको हमसे सूचना प्राप्त करनी होगी। ऑफिस में हम एक्सेस दे भी नहीं सकते है ना। और इसके अलावा हमारे बहुत सारे ऐप सरकार के काम कर रहे हैं, ये ऑफिस में हम एक्सेस नहीं दे सकते हैं। वो संभव, अब उनका जो भी जानकारी उनको प्राप्त करना होगा वो पत्र के माध्यम से विभाग को देंगे और विभाग के अंदर जो पत्राचार है उसको भी हम लोगों ने ये ऑफिस में लिया है, उनको मुकम्मल जवाब जो व्यवस्था है उसके माध्यम से दिया जाएगा, वो इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे। ऐसी व्यवस्था उनको आना पड़ेगा या ऑनलाइन? नहीं, आप ऑनलाइन भी मांगेंगे तो ऑनलाइन जवाब हम देंगे उनको, एकदम बिल्कुल। आप जानते हैं जानकारी पोर्टल चलता है सरकार का इसी के लिए, एकदम करेंगे। जानकारी पोर्टल के माध्यम से जानकारी पोर्टल है जिस पर आके वो जवाब करेंगे तो संबंधित विभाग से उसका जवाब जाएगा। सारा टोटल फुल्ली फुल्ली लैस है विभाग। आप लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज 20।